एक्स जो है वो आर होगा, है नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2r है, तो हाफ ऑफ 2r ये r होगा यहाँ से यहाँ तक। तो एक्स भी r है और पावर 3/2, तो ये कितना आ गया म्यू नॉट। और डायरेक्शन में लिखना, डायरेक्शन जो है वो है -i हैट, तो ये आ गया -μ0 I r² / 2, और ये आ गया आपका 2r² और पावर 3/2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका i हैट, ये आ गया -μ0 I r² / 2, और ये 2^3/2, और ये r², तो ये सिर्फ r³ बचेगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, और क्या आएगा, ये 2^1 + 3/2, तो ये आ गया -μ0 I/2^5/2 r i हैट। उसी तरीके से बी क्यू निकालेंगे। अब देखिए बी क्यू के लिए सेम सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है, रेडियस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सब सेम है, तो बस इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, लेकिन बस डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो +i हैट होगा। और ये देखिए दोनों नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों का सम होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -μ0 I r² (2^5/2 r i हैट - μ0 I r² (2^5/2 r i हैट) कैंसिल हो जाएगा ये दोनों और जीरो आएगा। ये क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर, यस सर। ओके, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे बताइए।
सर मैंने लिख लिया सर। लिख लिया। और मरियम आपने? जी सर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स मार्क वन एंड टू कैरिंग करेंट आर प्लेस्ड विथ दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ओ। तो हमें इस केस में जो है ओ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इस लूप की वजह से देखें तो इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस लूप की वजह से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना? क्लियर? जी सर। ओके तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो नेट फैन मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, और बी नेट जो होगा वो होगा आपका B1² + B2² √n, यही होगा ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। ये तो B1 निकालते हैं, B1 जो है वो है μ0 I R² इसका रेडियस कितना है, कैरिंग इक्वल करेंट्स, अरे रेडियस तो है ही नहीं, टू स्मॉल आइडेंटिकल दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है रेडियस सेम है तो 2 R² + और ये डिस्टेंस जो है दोनों का एक्स सेम। अब यही आपका B2 भी होगा, है नहीं? यही आपका B2 भी है, और दोनों को हम मान लेते हैं कि B मैग्नीट्यूड का B नेट है वो है आपका B1² प्लस B2² रूट, यानी ये आ गया B² + B² यानी 2B² रूट, यानी ये आ गया आपका √2B, और B हमने निकाला है वो कितना है, ये पूरा इतना, तो B नेट जो आ गया वो आ गया √2 और μ0 I R² बाय 2 R² + X² 3/2, ये तो आ गया आपका B नेट। डायरेक्शन जो है इसका कहाँ होगा, मान लीजिए ये थीटा है, या परपेंडिकुलर इसके साथ लें या जो भी लें, ये थीटा लें, तो टैन थीटा जो है आपका क्या आएगा, बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इसको मान लिया है हमने B2 और ये है B1, तो B2 / B1 दोनों का मैग्नीट्यूड B है, तो ये 1 आ गया, यानी कौन से एंगल पे आपका थीटा टैन थीटा जो है 1 होता है, 45 डिग्री, राइट? तो ये क्लियर हुआ, ये ओ पे 45 डिग्री का एंगल होगा विथ B1, ये डायरेक्शन हो गया और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके क्या आप नोट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर।
हाउ मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग? सर मेरा हो गया सर, ओके मैंने भी आप लिखा। लोग, आपने भी नोट कर लिया, गुड। अब जरा जो है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स और करंट सर आज मेरा बिटवीन। फिजिक्स का प्रैक्टिकल अच्छा कैसा गया? था, अच्छा ही गया, बस नॉर्मल ही था, वाइवा अच्छा नॉर्मल था। नहीं हुआ, सर ने नहीं पूछे क्वेश्चंस। ओके गुड गुड गुड। और वो जो प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में कुछ सैंपल पेपर या कुछ दिया उन्होंने? सैंपल पेपर नहीं, हमें रिकॉर्ड बुक देते हैं ना, तो उसमें से जो लिखते हैं उसमें से दो तीन एक्सपेरिमेंट वो अभी दिए थे। अच्छा। आज हमें मीटर ब्रिज वाला मिला था। हाँ अच्छा मीटर ब्रिज मिला था। तो बस वही लिख के वाह। फिर क्लास लैब में जाके वो करा था। हाँ मीटर ब्रिज के लिए सबसे पहले तो क्या हमें बैलेंस पॉइंट निकालना होता है, मेन। हो गया था वो तो, हमने सब साथ में ही किया था, लेकिन वो कहते कि फाइनल में तो ऐसा अलग अलग होगा, आज तो टाइम कम था इसलिए सबसे साथ में किया। अच्छा। हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन हाँ आप लोगों को बस कितने प्रैक्टिकल्स, 12 या 13 प्रैक्टिकल्स होते हैं शायद। 8 है जी, अच्छा 8 ही हैं? अरे ये तो, उसमें से 2 आएंगे। अरे वाह। हाँ तो सारा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ना गड़बड़ होता है, वो एपरेटस कभी कभी वर्क नहीं करता है तो आदमी पैनिक कर जाता है, हाँ सर, तो उसको प्रैक्टिस करके रखिएगा। ओके मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो है निकालूँ। तो नेक्स्ट सेट ऑफ जो क्वेश्चंस है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ राइट सर्कुलर एम्पियर सर्क्यूलर लॉ। ओके एम्पियर सर्क्यूलर लॉ, फिर सोलेनोइड एंड टोरॉइड। क्या है मैग्नेटिक फोर्स? ओके ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सारे डाउनलोड कर लूँ। ओके
नेक्स्ट सेटअप क्वेश्चंस जो हैं वो है आपका मैग्नेटिक फोर्स, सोलेनोइड, टॉयरॉयड और ये सब है, तो एम्पियर सर्किट लॉ। ओके सो सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ ही याद कर लेते हैं क्या है, रिकॉल करते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ का क्या था, कि अगर कोई करंट पास कर रहा है, अरे ये कितने लोग वेटिंग रूम में हैं, ओके तो ये कोई ये करंट है इस लूप में पास कर रहा है, और अगर हम एक एम्पियरियन लूप लें तो इस पे जो एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि अगर हम इसका इंटीग्रल करें यानी लाइन इंटीग्रल निकालें तो वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड बाय 4 पाई, ये और म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होता है या बाय 4 पाई भी होता है, क्या होता है ये क्या आता है, ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, तो ये हाँ तो ये बस म्यू नॉट आई इनक्लोज होता है बाई 4 पाई नहीं। तो इसका हम ये इससे रिजेम्बलेंस ले सकते हैं जो गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि ई डॉट डी एस जो है अगर हम क्लोज सरफेस में निकालें तो वो होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसी का एनालॉगस जो है वो है आपका एम्पियर सर्किट लॉ, ये आपका गॉस लॉ हो गया और ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ हो गया। बस इन दोनों में फर्क क्या है आप लोग बताइएगा। में फर्क क्या है, अरे कहाँ चले गए आप लोग, हेलो सर हाँ इन दोनों में फर्क क्या है। ये गॉस लॉ में देखिए हम बात करते हैं क्लोज्ड सरफेस की, यानी कि पूरे सरफेस में जो क्लोज्ड है, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस जो एनक्लोज कर रहा है चार्ज, लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें तो इसमें हम बात करते हैं ओपन सरफेस की। ओपन सरफेस यानी ओपन सरफेस में आप मान लीजिए ये सरफेस आपका ओपन है, ठीक है, तो इस सरफेस के लिए आप ये लाइन जो है इंक्लूड कर सकते हैं, यानी ये जो लाइन इनक्लोज कर रहा है ये पूरे सरफेस। ओके हमें कौन सा ज्वाइन करना है रूम, मैं कोई रूम नहीं जाए ज्वाइन करना, तो ये जो सरफेस है ओपन सरफेस से का ये जो लाइन इनक्लोज होगा, लाइन इंटीग्रल ये आपका होगा डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल, लेकिन अगर आपका कोई इस टाइप का सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस, और वो सरफेस इनक्लोज कर रहा है तो उस सरफेस के लिए आपका ये पूरा सरफेस इंटीग्रल होगा यानी डॉट डीएस। तो यही दोनों डिफरेंस है, यानी इसमें हम ओपन सरफेस की बात करते हैं और इसमें जो है आपका क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज है उसकी बात करते हैं,
ये बस है छोटा सा डिफरेंस। ओके सर। ओके, और इसी बेसिस पे हम एम्पियर सर्किटरी लॉ यूज़ करके ही हम निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला मान थिक वायर का जो है डेरिवेशन, ये मैं करा देता हूँ आप लोग को, ताकि इसका एम्पियर सर्किटरी लॉ का यूज़ कैसे करते हैं। तो एक थिक वायर है, और ये पूरे सरफेस में जो है, पूरे सरफेस जो से जो है करंट पास कर रहा है। जो करंट पास कर रहा है वो है I, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके दो रीजन्स होंगे, एक तो होगा इनसाइड और दूसरा होगा आउटसाइड। और मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब अगर मुझे इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं कोई एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, यानी कोई सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन लूंगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे निकालना। तो मैंने एक ऐसा लूप बनाया इस टाइप का, ठीक है। अब इस वाले लूप में आप देखिए कि पूरा करंट पास कर रहा है या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूरा करंट जा रहा है। कहाँ सर? इस वाले लूप में पूरा करंट जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा, सिर्फ इतना अमाउंट ही जा रहा है। तो अब हमें निकालना है कि कितना अमाउंट का करंट जो है वो इंक्लोज्ड है। और हमने यहाँ पे एक रेडियस स्मॉल आर ले लिया, तो हमारा एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या हो जाएगा फॉर इनसाइड, बी डॉट डी एल, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये बी डी एल हो जाएगा खाली, और ये आ गया म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो अब यहाँ पे बी डी एल आ गया सिर्फ, और ये है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड निकालना है, ये हमारा एम है। तो एक बार देखते हैं कि करंट है कितना होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कितना कितना एरिया है? कितना एरिया है ये पाई आर स्क्वायर है ना सर्कल का एरिया। पाई तो स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में करंट कितना पास कर रहा है? आई। आई। अब हम वन एरिया में निकालेंगे तो ये आएगा आई बाई पाई आर स्क्वायर, और हम निकालें ये इस एरिया में, हम ये छोटे से एरिया में देख रहे हैं ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में। तो इस एरिया में जो ओके करंट इनफ्लोज है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये थे, ये क्या है पाई है, तो ये पाई पाई कैंसिल, और ये जो करंट आ गया इसको मान लीजिए आई इनक्लोज, ये आ गया आई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, ये आ गया इनसाइड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम। तो ये बी डॉट डी एल जो है, ये बी कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, अब ये बचा सिर्फ डी एल का इंटीग्रल, और ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये डी एल जो है, ये लाइन जो है, ये स्मॉल लाइन है, इसको अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा? कौन सी लाइन था? ये जो डीएल, यही तो है डीएल, ये स्मॉल डीएल को अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूं तो पूरा एल मिलेगा, ये एल कितना है? टू पाई आर, ये पूरा सर्कल है, यानी ये टू पाई आर आ गया।
म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जब हम 2 पाई आर को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 पाई आर और आर स्क्वायर, ये एक आर कैंसिल और ये बचा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर और ये आ गया आर। अब ये देखिए इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, इसका डायमेंशन म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है तो 1 बाई आर का डायमेंशन होना चाहिए। अब ये देखिए इसका डायमेंशन आर है और इसका डायमेंशन आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1 बाई आर का डायमेंशन, तो यानी ये फॉर्मूला करेक्ट। लेकिन इस इनसाइड में, ये इनसाइड है, ये इनसाइड में जो वेरी कर रहा है करंट वो कैसे वेरी कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये वेरी कर रहा है प्रोपोर्शनल एज आर, लीनियर लीनियर आ गया ये। अब देखते हैं कि आउटसाइड क्या है, और आउटसाइड यानी ये हमारा कोई थिक वायर है और हम देख रहे हैं पॉइंट आउटसाइड, यहाँ पे निकालना है। तो सिमिलरली एक लूप बनाएंगे यहाँ पे भी और ये पूरा करंट इससे ऐसे पास कर रहा है, ये आपका कैपिटल ये स्मॉल आर है और ये वाला जो है ये इसका कैपिटल आर। अब ये वाले देखिए ये एम्पीरियन लूप है, इस एम्पीरियन लूप से पूरा करंट पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा है, ये वाले क्यों बड़े, ये बड़े वाले, ये बड़े वाले लूप में ये पूरा करंट जा रहा है, जा रहा जी है ना, तो इसको हम आई इनक्लोज्ड को फॉर आउटसाइड, आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, ये पूरा जो करंट है क्योंकि इस पूरे एरिया से, ये वाले एरिया से पूरा करंट जा रहा है। तो अब हम इसका निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी डी एल का इंटीग्रल और ये आ गया म्यू नॉट आई। अब ये बी डी बी को बाहर निकाल दे, ये डी एल आ गया और ये म्यू नॉट आई है, डी एल का आपने बताया था 2 पाई आर, ये आ गया म्यू नॉट आई, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर जो कि एक स्ट्रेट वायर का होता है। तो इसमें देखिए जो आउटसाइड के लिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है 1 ओवर आर है नहीं, तो हमारे पास वेरिएशन आ गया, हमारे पास वेरिएशन ये आ गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका रेडियस है और ये पॉइंट जो है ये जो लाइन डिवाइड करता है आपका कि सरफेस है, यानी यहाँ पे आर इक्वल टू आर रहता है, तो ये जो स्मॉल आर है ये स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, इनसाइड पॉइंट है ये सारे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये इनसाइड में यहाँ पे आएंगे तो ये आर जो है स्मॉल आर क्या किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट पे आएंगे तो स्मॉल आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बड़े वाले आर के कैपिटल इक्वल, कैपिटल आर के, यानी ये जो लाइन ये पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है इनसाइड और आउटसाइड रीजन, यानी ये आर इक्वल टू आर जो है ये सरफेस वाला लाइन, और इसके अगर पहले होंगे तो इनसाइड रीजन आ जाएगा, इसके अगर बाद में जाएंगे तो वो आउटसाइड रीजन आ जाएगा। अब इनसाइड जो है वो लीनियर बिहेव कर रहा है, यानी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आउटसाइड जो है वो 1 ओवर जा रहा है, तो यहाँ बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये आ गया आपका थिक वायर के मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लियर हुआ आपको। जी सर। ओके प्लीज जरा नोट कीजिएगा ये फिर।
जब भी स्क्रोल डाउन करना हो तो मुझे बताइए। से स्क्रॉल कर दी। ओके okay। जब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मुझे बताइएगा।
सर हो गया, आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया? फिर मरियम का माइक का कुछ प्रॉब्लम। ओके, फिर दूसरा जो होता है वो होता है सोलेनोइड, और इसमें इस टाइप का वायरिंग होता है, और इसमें भी हम यूज़ करते हैं एम्पियर सर्किटरी लॉ का, और इसको यूज़ करके जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो आता है म्यू नॉट एन आई। और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप का है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अगर उल्टे साइड का होगा तो राइट डायरेक्शन में होगा। और ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन जो है वो है नंबर डेंसिटी। और ये नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर डेंसिटी मान लीजिए कि आपका ये आपने लेंथ ले लिया टोटल एल, और इसमें मैंने वायर को कैपिटल एन टाइम्स जो है घुमाया, कॉइल किया है, तो नंबर डेंसिटी होगा कि उतने उतने लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये जो एन होता है वो होता है एन डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पे एन जो है आपका टोटल टर्न्स हो गए, और ये हो गया आपका टोटल लेंथ। उसी तरीके से टॉरॉइड का भी निकालते हैं हम। तो टॉरॉइड में कैसे क्वाइलिंग होता है? टॉरॉइड में ऐसे क्वाइलिंग होता है, सर्कुलर टाइप का क्वाइलिंग। ओ, ये बहुत ही खतरनाक डायग्राम है, लेकिन इस टाइप का क्वाइलिंग होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मान लीजिए रेडियस आर है, तो जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी म्यू नॉट एन आई होगा। लेकिन यहाँ पे एन जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे एन जो होगा वो होगा एन बाय, अब ये लेंथ जो है कितना है वो है आपका 2 पाई आर। तो टॉरॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ये बस दोनों में से स्मॉल एन होता है, लेकिन बस स्मॉल एन का डेफिनेशन अलग होता है। यहाँ में सिर्फ एल हो जाएगा और यहाँ में 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? जी सर, ओके, क्विकली नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फोन जैसे ही कर लिया होगा आप लोगों ने, मुझे बताइएगा।
जी सर। डन। ओके ओके अब जरा क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहला तो है एम्पियर सर्किट लॉ पे, और पहला क्वेश्चन जो है अ स्ट्रेट थिक लॉक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म इन दिस एंड यूज एम्पियर सर्किट लॉ। ओके सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट अ टू अबव द सर्फेस ऑफ द वायर दैट एट पॉइंट ए बाई टू बिलो इट्स सर्फेस। वट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस वायर। सो पहला पार्ट तो हम लोगों ने किया हुआ है, पहला पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई, ये था आर और ये था 2 पाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो इस केस में आर की जगह ए आ जाएगा, नहीं, आर की जगह ए नहीं आएगा, मतलब ये आर तो आर ही होगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। करेक्ट। तो इसको यस इन्होंने सर। वन बोला, इसको इन्होंने इनसाइड को वन बोला है, और बाहर वाले को, तो बाहर वाला तो सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये है करेक्ट है। जी सर। ओके अब यहाँ पे हम देखें कि ये तो पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमने प्रूव किया है। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए टू अबव द सरफेस ऑफ वायर एंड ओके सो ये होगा शायद ए बाई टू अबव, राइट, ए बाई टू अबव द सरफेस ऑफ द वायर और ए बाई टू बिलो इट्स सरफेस। तो ए बाई टू अबव सरफेस करेंगे तो जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, ए बाई टू अबव, तो उसके लिए जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस ए बाई टू, यानी आ गया 3 ए बाई टू, और ए बाई टू बिलो के लिए जो आर होगा वो होगा ए माइनस ए बाई टू यानी ए बाई टू। ये क्लियर हुआ आप लोग को? ये क्लियर। जी सर। ओके अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव, अबव वाला यानी बी टू बाई बी वन पूछा है, बी टू बाई बी वन तो रेशियो, और बी टू के केस में जो है ये है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अबव वाला है 3 ए बाई टू, और बी वन के केस में आर जो है वो है ए बाई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये जो है म्यू नॉट आई, इसको सही से पहले लिख लेते हैं, तो ये है गया म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर, और ये आ गया आपका म्यू नॉट आई, और ये आ गया आपका ए बाई टू इंटू 2 पाई 3 ए बाई टू, यही आएगा ना। जी सर। ओके ये म्यू नॉट आई आई कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, ये ए और ए ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ये 2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बाई 3, तो ये आ गया रेशियो। क्लियर। और मैक्सिमम जो होगा, अगर हमें ग्राफ याद हो तो मैक्सिमम जो था वो ये था ग्राफ, तो ये है मैक्सिमम, यहाँ पे आर इक्वल टू आर है, तो बी मैक्स जो हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, आर इक्वल टू ए पे है नहीं?
यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये इसको नोट कीजिएगा आप। कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये मरियम क्या हुआ, मरियम की आवाज़ को क्या आप लोग नोट कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। ओह चैट में किसी ने क्या लिखा। ओह तो आप लिख रहे हैं, माइक आपका शायद वर्क नहीं कर रहा है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मुझे बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, कितना टाइम हो गया। जल्दी से हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है कि हम लोग फिफ्थ शुरू करें। हाँ हो गया मरियम, आपने नोट कर लिया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, या क्लियर है सब? सर, नहीं है डाउट। ओके गुड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट एक, ये देखिए टॉपिक क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसका जिसका इनर रेडियस दिया हुआ है और आउटर रेडियस दिया हुआ है। तो इस टाइप से कुछ है, और जो करंट जो पास कर रहा है वो ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पास कर रहा है, ये वाला जो स्ट्राइप है, इस वाले में पास कर रहा है करंट, क्योंकि बीच का पोर्शन तो खाली है, बीच का पोर्शन खाली है और सिर्फ ये वाले स्ट्राइप में, इसको कैसे पेंट करूँगा, ये वाले रीजन में ही करंट पास कर रहा है।
तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो रेडियस है, ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ए है, और बड़ा वाला जो है यहाँ से यहाँ तक बी। ठीक है, अब हमें निकालना है करंट इन साइड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इन साइड द बॉडी। यानी हम यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे हम करंट देख रहे हैं इनसाइड यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, ये आर हो गया। अब एक बात बताइएगा आप लोग कि हमें निकालना है कि इस वाले पोर्शन में करंट कितना है। नहीं, हमें निकालना है कि इस वाले सरफेस में कितना करंट जा रहा है, ये वाला पूरा जो रीजन। ठीक है, ये पोर्शन आ नहीं रहा है, कलर में फेड हो रहा है, लेकिन दूसरा कलर चूज करना पड़ेगा। ये चूज करता हूँ, हाँ, ये वाले रीजन में कितना करंट पास कर रहा है। नहीं, हमें क्या पता है कि ये जो एरिया है जो करंट पास कर रहा है वो इस वाले रीजन में पास कर रहा है। यानी छोटे से डिस्क है, समझ लीजिए, या रिंग समझ लीजिए, उसमें पास कर रहा है। तो करंट जो पास कर रहा है वो, अगर हम इसको ऊपर से देखें क्रॉस सेक्शन को, इस वाले रीजन से तो पास नहीं कर रहा क्योंकि ये खाली है। जो पास कर रहा है वो कर रहा है इस वाले रीजन। ये क्लियर है आप लोग को? तो जी सर, ये एरिया कितना हो गया? ये एरिया हो गया, वो हो गया बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। क्लियर है ये? तो जो करंट पास कर रहा है, करंट पासिंग जो होगा वो होगा ये पूरे एरिया में होगा। तो हम जब निकालेंगे कि इस वाले एरिया से आई इनक्लोज कितना है, आई इनक्लोज्ड इनसाइड वो कितना है, तो हमें पता है कि इस वाले रीजन से जो है वो करंट पास कर रहा है आई। ये क्लियर है? जी सर, तो फिर वन का निकालेंगे, वो होगा आई बाई दिस। और फिर हमें निकालना है कौन सा रीजन, कहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इस वाले रीजन में है। नहीं, ये वाला इनक्लोज्ड है, तो इस वाले रीजन में कितना करंट होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आप लोग को? क्योंकि बड़ा जो है वो है आर, और छोटा जो है वो है आपका ए, क्योंकि ये वाले रीजन में तो करंट है ही नहीं, ये वाले रीजन में करंट नहीं है, तो ये वाला फिर माइनस करेंगे ए वाला। तो स्मॉल वाला जो है वो पाई ए स्क्वायर है, और बड़ा वाला जो है वो पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका पाई आई पाई, जैसा हमने उसमें किया था सेम है, बस इसमें थोड़ा सा बीच का पोर्शन जो है खाली। तो ये पाई और पाई कैंसिल और आई इनक्लोज्ड आ गया, वो आ गया आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एम्पीरियन लूप का, एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। ये हो गया बी डी एल, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये डी एल का जब इंटीग्रल करेंगे तो ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन आएगा वो डी एल एरिया देगा। डी एल का जब इंटीग्रल होगा वो 2 पाई आर आएगा, तो वो आएगा 2 पाई आर, और ये म्यू नॉट आई इनक्लोज जो है वो है आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया आपका, ये थोड़ा सा इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड, 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ये बिल्कुल इजी है, बस ध्यान रखना है कि करंट कहाँ पास कर रहा है। ये क्लियर हुआ आप लोग को? ओके प्लीज आया नोट डाउन कीजिए आप लोग। प्लीज आया नोट कीजिए। जैसे ही नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने मुझे बताइए। डन। ओ मरियम ने नोट कर लिया। दादा आपने जब नोट के लिए होगा तो मुझे बताएंगे। हो गया हो गया। ओके तो ये वाला अब नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है सोलेनोइड और टॉरॉइड पे। तो आ सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 50 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो सोलेनोइड, यानी लेंथ ऑफ सोलेनोइड दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 50 × 10⁻² मीटर। हैज़ 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 350 टर्न्स ईच, यानी 4 लेयर है 350 टर्न्स ईच का। तो द रेडियस ऑफ द लोएस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिंग इज 6 एम्पियर, एस्टिमेट द नियर द सेंटर ऑफ सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑफ इट्स एक्सिस। नियर इट्स एंड ऑन इट्स एक्सिस आउटसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। ओके एंड विच इज यूनिफॉर्मली ओवर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द वायर।
तो हमारे पास क्या है, पहला सोलेनोइड है ये, दूसरा वाला क्या है, अ वायर ऑफ रेडियस कैरीज विच इज यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट द सरफेस आउटसाइड, ये क्या है? ये कौन सा वायर है, सर्कुलर वायर है क्या वायर है? ओके तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 350 टर्न्स ईच एंड द रेडियस ऑफ द लोएस्ट लेयर ओके तो इज 1.4 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिंग इज 6 एम्पियर एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑफ इट्स एक्सिस नियर इट्स एंड ऑन इट्स एक्सिस आउटसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। ओके तो हमें निकालना है, लेकिन ये वाइंडिंग का क्या चक्कर है? द रेडियस ऑफ लोएस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर, तो ये किस टाइप का वाइंडिंग है? ये वाइंडिंग है, फिर दूसरा वाइंडिंग इस टाइप का है क्या? ये मुझे, लेकिन उसका दूसरे वाले वाइंडिंग का डिस्टेंस क्या है, ये तो दिया नहीं है। मतलब ये डिस्टेंस तो देना चाहिए दूसरे वाइंडिंग का। इफ द करंट कैरिंग इज 6 एम्पियर एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ ओके 4 लेयर्स, तो मान लेते हैं हम इसको कि एक लेयर ये हुआ और उसी सेम लेवल पे दूसरा लेयर हो गया और सब सब इसी ओवरलैप कर रहा है, मतलब दूसरा लेयर भी इसी तरीके से है, तीसरा लेयर भी इसी तरीके से और चौथा लेयर भी इसी तरीके से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो गिवन नहीं है कि वो थोड़ा सा ऊपर लेयर है या वो ये है, तो 4 लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 4 × 350, यानी कितना हो गया, 700 और ये 1400 टर्न्स, क्लियर? और इन्होंने बोला है द रेडियस ऑफ द लोएस्ट लेयर, लोएस्ट और ये लेयर तो है ही नहीं, बाकी लेयर का तो बताया ही नहीं, ये रेडियस है आपका 1.4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है 1.4 सेंटीमीटर है, यानी ये 1.4 × 10⁻²⁰ मीटर्स, ये आपका रेडियस आ गया। और बोला है इफ द करंट कैरीड इज 6 एम्पियर, तो जो करंट है वो दे रखा है इन्होंने 6 एम्पियर, और हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑफ इट्स एक्सिस। तो हमें जो पता है, अरे कौन कौन लीव कर गया? अच्छा जारा, जारा का डिस्कनेक्ट कितना तो 5 मिनट और है। ओके तो ये हमारा जो है, हमें पता है कि एक सॉलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड। ये सोलेनोइड का सेंटर क्या आ गया, यानी मान लीजिए ये सेंटर है, तो या तो सेंटर में हो, ये एक्सिस है आपका, ये एक्सिस है, यहाँ पे निकाले मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे निकाले मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे निकाले, यहाँ पे निकाले, कहीं पे भी निकाले मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या आता है, वो आता है आपका सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन, ठीक है? और अगर हम आउटसाइड ऑफ दिए, अगर हम सॉलेनॉइड देखें, आउटसाइड देखें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होता है,
तो हमें सिर्फ ये ऑफ द एक्सिस हो गया, ये हो गया ऑन एक्सिस, और ये हो गया आपका आउटसाइड एट द सरफेस ऑफ द वायर। तो सरफेस आपका ये हो गया वायर का, यानी रेडियस आर पे। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, और एट 0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द, कहा गया, नियर इट्स एंड ऑन इट्स एक्सिस आउटसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। तो आउटसाइड बोला है निकालने के लिए, नियर इट्स सेंटर, यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बाकी सिर्फ इनसाइड हर एक रीजन पे यूनिफॉर्म हो, और वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट, और एन जो है आपका एन बाई एल है, और करंट 6 एम्पियर। तो ये कितना आ गया आपका, म्यू नॉट जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 एन।